हेलो एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस। आई एम कृष्णा। दिस इज़ लेक्चर फॉर द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस इन 5 मिनट्स। 4 दिन का न्यूज़पेपर, दोनों न्यूज़पेपर हम देखेंगे, दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। क्विकली एक आइडिया लेते हैं इन दिनों में न्यूज़ में क्या करंट अफेयर्स के नाम पे जो न्यू चीज़ ऐड हुई है वो है स्टायरीन गैस जो वाइजेग में लीक हो गई। देन इसके बाद कंटेम्प्रेरी इशूज़ में मेजर इशू गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, पूरा उनके बारे में पढ़ेंगे, क्या उनके व्यूज़ हैं फ्रीडम के बारे में, एजुकेशन के बारे में, ओवरऑल अराउंड 2 पेज का कंटेंट में इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देन ग्रीन कॉरिडोर, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, AIIB को एक्सप्लेन करेंगे। देन इसके बाद ये छोटे मोटे न्यूज़ के बाद ट्रैश UPSC इफेक्ट्स जो आपको अननेसेसरी रटने पड़ते हैं क्योंकि बाकी सब रट रहे हैं, बाकी सब रटा रहे हैं। देन आफ्टर दैट मेंस एग्जाम रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू और मेंस इन 300 टॉपिक्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं उनके बारे में। सो ये सारे कोर्सेज सिनॉप्सिस के स्पेशल कोर्स के पार्ट हैं। आप यहाँ सिनॉप्सिस वेबसाइट पर स्पेशल कोर्सेज यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। सब्जेक्ट कोर्सेज भी अनाउंस किए हैं रिसेंटली, तो यू कैन ज्वाइन अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट ये स्पेशल कोर्स जहाँ भी रेलेवेंट हैं, लाइक प्री के स्पेशल कोर्स प्री के क्लासरूम और टेस्ट सीरीज़ में, और मेंस के क्लासरूम और टेस्ट सीरीज़ में, इसी तरह एसए में भी कुछ हैं। देन ऑप्शनल्स में भी सारे कोर्सेज स्पेशल कोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं। सो स्टायरीन की बात करते हैं, ये वो गैस है जो वाइजेग में लीक हो गई। इसके और भी काफ़ी सारे नाम हैं, एथेनाइल बेंजीन, विनाइल बेंजीन या फिनाइल बेंजीन, तो ये नाम भी आपको रटने चाहिए क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में रहेगा। मेंस में भी केमिकल डिजास्टर मेंस इन 300 टॉपिक में इससे रिलेटेड कवर करेंगे टॉपिक। PVC गैस भी कहते हैं क्योंकि PVC पॉली विनाइल क्लोराइड बनाने में यूज़ होती है। देन पॉलीमर्स, प्लास्टिक और रेजिन, इनको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ देख रहे हो आप बेंजीन C6H6 उससे जुड़ा हुआ है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये रटने की नीड नहीं है अगर आप केमिस्ट्री से नहीं हो तो, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों है इतना याद रख लो, बेंजीन है। पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज़ में ये इसका मैन्युफैक्चरिंग मेनली होती है। पॉइजनस इन्फ्लेमेबल ज्वलनशील गैस है, अगर 300 to 400 PPB है और शॉर्ट पीरियड में है तो ये फिर न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ भी पैदा कर सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे तो एयर में ये काफ़ी टाइम तक रहती है, इसका रेजिडेंस टाइम इज़ वेरी हाई और हाईली रिएक्टिव है। ऑक्सीजन से भी कंबाइंड होकर स्टायरीन डाइऑक्साइड बनाती है, वो ज़्यादा लिथल है। और WHO जिनको आजकल सब गालियां दे रहे हैं, WHO ने कहा कि ये 20th मोस्ट यूज केमिकल वर्ल्ड वाइड है। तो केमिकल डिजास्टर को मेंस इन 300 टॉपिक्स में हम कवर करेंगे। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ देखते हैं, 3 दिन पहले गुरुदेव की जयंती थी तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने, इसको आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो मेंस में, कि अगर आपका लॉकडाउन है तो ये वर्चुअल टूर ये सारी चीज़ें करनी चाहिए एज नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट हैज़ डन फॉर दिस। अदरवाइज न्यूज़ का प्री पॉइंट ऑफ व्यू से देर इज़ नो रिलेवेंस एट ऑल, इसको रटने मत बैठ जाना। गुरुदेव के बारे में जानते हैं, गुरुजी के बारे में, एक तो ये मतलब अच्छी खासी संपन्न एफ्लुएंट फैमिली से थे, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल गरीब फैमिली से पैदा हुए। भानु सिन्हा नाम से इन्होंने कविताएं लिखनी शुरू की थी, आई थिंक 16 to 18 की एज में इन्होंने सबसे पहले पब्लिश किया था। अगर एफ्लुएंट फैमिली से ना होते तो क्या कोई ऐसा कर सकता था, ये भी आपको सोचना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट फॉर रिलीजन, 2 पार्लियामेंट हुई थी 1929-37, वहाँ भी बोले थे जाके। देन नेशनल एंथम लिखे इंडिया के, बांग्लादेश के, आई थिंक आमार सोनार बांग्ला अभी भी है बांग्लादेश का नेशनल एंथम, और बहुत कुछ भी, मतलब सब कुछ थे, राइटर थे, पोएट थे, फलाने टीम के जो भी हो सकते थे, ही वॉज एवरीथिंग। स्पेक्ट्रम ने इग्नोर किया हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री ने इग्नोर किया हुआ है, दैट्स वाई ये इतनी डिटेल में चीज़ें बनानी पड़ी, इनके बारे में लिखना पड़ा। ट्रांसफॉर्म किया इन्होंने आर्ट को मॉडर्निज्म में, आधुनिकता में बदला। कभी उन्होंने अपनी पेंटिंग को कोई टाइटल नहीं है, तो ये कभी प्री में क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ये पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई, अगर है भी तो हमेशा ये आपको एक ऑप्शन एलिमिनेट कर देना चाहिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर की तो नहीं है। जब आपने आर्ट एंड कल्चर का स्टैटिक पढ़ा होगा तो वहाँ षडांग ऑफ इंडियन पेंटिंग जरूर पढ़े होंगे, तो उसमें से जो छठा लिंब है, 6 पार्ट्स मोस्टली, तो वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताए थे, लेकिन इसमें जो वर्णिका भंग है, मतलब ब्रश या कलर कैसे यूज़ किया जाए, वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था आर्ट्स में। यूरोपियन कल्चर के एक्सप्रेशनिज्म कहते हैं उसको, अभिव्यक्तिवाद, और जो प्रिमिटिव इंडियन आर्ट्स हैं उन दोनों को इन्होंने क्लब किया, वो इन्हें काफ़ी इंस्पायर करती थी। 1913 में वो पहले ऐसे इंडियन बने जिसको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर मिला उनके खुद के नोबेल गीतांजलि के लिए। अब फ्रीडम स्ट्रगल में उनका रोल देखते हैं, सीधे कई बार मेंस में पूछा हुआ है तो प्री के लिए भी रट लो। एज सच सबसे पहले तो वो कहते थे जो ब्रिटिश रूल है ना, ये ओवरऑल सिकनेस है और ये सिम्टम है इस पूरी ओवरऑल सिकनेस का। जो कौन सी सिकनेस? सोशल डिजीज ऑफ द पब्लिक,
जनता को एक सामाजिक बीमारी हो गई है ब्रिटिश रूल के अंडर में रहने का, तो ये ब्रिटिश रूल उसका एक सिम्टम है। देन उन्होंने कभी गांधी जी का पूरा सपोर्ट नहीं किया, आई डोंट नो कि वो भी बड़ा बनना चाहते थे गांधी की तरह लाइक दैट, या फिर जो भी रीज़न हो वट एवर। तो बड़ी पर्सनैलिटीज़ आज भी देखोगे कभी एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करती हैं, कभी से नहीं करती थी। 1905 का जब पार्टीशन हो गया था तो फिर बंगालियों को यूनाइट करने के लिए उन्होंने गाना लिखा, बैंगलोर माटी बैंगलोर जोल, जोल मतलब जल हो गया पानी, असोम को असम को असोम बोलते हैं, आपका नाम है तो ओ लगा देंगे, तो आ के बदले ओ होता है बांग्ला में, प्रीतम का प्रीत ओम कर देंगे, लाइक दैट फाइन। तो बांग्लार की मिट्टी बांग्ला का जल उन्होंने ये सॉन्ग लिखा, अमार सोनार बंगला ये इन्होंने गीत लिखा था। राखी उत्सव स्टार्ट किया था हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए, दोनों लोग राखियां बांध सकते थे। और उन्होंने जब जो अमृतसर मैसेकर हुआ था तो उसके बाद उसको जलियांवाला बाग कांड भी कहते हैं, तो उन्होंने फिर नाइटहुड को त्याग दिया था। फ्रीडम के बारे में उनके क्या व्यूज़ थे ये भी आपको पता होने चाहिए। फ्रीडम उनके अकॉर्डिंग ऐसी होनी चाहिए, ऐसी हो जिसमें कि सारे बेस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ वेस्टर्न कल्चर और बेस्ट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर जुड़े हुए हों। फ्रीडम का मतलब सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश नहीं है, ट्रू फ्रीडम का मतलब है कि आपको खुद से ट्रूथफुल और ऑनेस्ट होना चाहिए, अदरवाइज़ कैसी भी फ्रीडम होने दो वो निपट जाएगी। तो ये व्यूज़, ये GS4 जो आप देखते हो UPSC में सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, GS 1 2 3 पढ़ लो, लेकिन आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर तब भी बन सकते हो जब आप एक एथिकल पर्सन हो। एथिक्स का मतलब मोरालिटी नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। मोरालिटी मतलब वैल्यूज़ ऑफ इंडिविजुअल, और एथिक्स का मतलब मोरालिटी ऑफ फुल सोसाइटी। तो रोल इन एजुकेशन देखते हैं, शांति निकेतन उन्होंने इस्टेब्लिश किया। शांति निकेतन में मेन चीज़ क्या थी कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन है वो एक रिग्रस स्केड्यूल फॉलो करता है, तो इन्होंने कहा उसकी कोई नीड नहीं है, प्ले मतलब खेलो, उसके खेल के साथ सीखो, लर्न विद प्ले। देन इन्होंने विश्व भारती एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट था उसको भी स्थापित किया। देन ही टोल्ड की इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी, कल्पना और रचनात्मकता की आवश्यकता है, चाहे वो एजुकेटर हो या एजुकेटेड, चाहे टीचर हो या स्टूडेंट हो, दोनों में। साथ में वो इंग्लिश का सपोर्ट नहीं करते थे, जैसे बहुत सारी पॉलिसीज आई थी, चाहे वो आप ब्रिटिश की कोई से भी पॉलिसी स्टेटमेंट देखो, चाहे वो वुड्स डिस्पैच ऑन एजुकेशन हो, दीपिका मैम ने ऑलरेडी 2020 में पढ़ाई है ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी, तो ये कहते थे कि विलेज लेवल पे वर्नाकुलर लैंग्वेज पढ़ाओ, अपर लेवल पे इंग्लिश, तो यूएस टेलिंग के ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, नॉर्मल अपनी अपनी लैंग्वेज में पढ़ो। बैलेंस रिक्वायर्ड है किस किस चीज़ में, अच्छे एलिमेंट्स ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन जैसे साइंस एंड टेक, और अच्छे एलिमेंट्स ऑफ इंडिया के जैसे आर्ट एंड कल्चर। और लेकिन यहीं गांधी जी से डिफरेंस क्या है उनका, कि गांधी जी तो वेस्टर्न एजुकेशन लगती थी कि बिल्कुल ऑपरेसिंग ऑन क्रिपलिंग है, तो ये आपको डिफरेंसेस याद रखने हैं। देन इसके बाद ग्रीन कॉरिडोर, आप लगातार कई बार न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि हर्ट ट्रांसप्लांट किया गया ब्रेन डेड इंसान से दूसरे में, तो उस ऑर्गन की जो एज होती है उसका प्रिजर्वेशन टाइम बहुत कम होता है, तो उसको फटाफट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना पड़ता है। सपोज़ एक हॉस्पिटल में किसी को ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया गया, उसका हार्ट इज़ स्टिल वर्किंग, तो उसके ये इनफैक्ट ये ब्रेन डेड वाला ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट ये मेंस 300 का भी पार्ट है, GS4 में भी पार्ट है, केस स्टडीज़ में भी पूछता है। तो इसको यहां से यहां तक ले जाने के लिए जिस भी हॉस्पिटल में दूसरा बंदा है जिसे हार्ट की ज़रूरत है, तो फिर उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है, डिमार्केट किया जाता है, स्पेशल रोड रूट बनाया जाता है एम्बुलेंस, ताकि फटाफट जा सके यहां से वहां तक। कभी कभी ये हेलीकॉप्टर के थ्रू भी भेजा जाता है, साउथ इंडिया में और दिल्ली में हेलीकॉप्टर के थ्रू काफ़ी पॉपुलर है। देन AIIB ने अभी लोन दिया है, क्यों दिया है नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, पढ़ना हो पढ़ लेना, इंडिया ने कोई एक स्कीम बनाई थी उसके दे दिया, और ये कुछ दो तीन इंस्टीट्यूट इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, पढ़ना है पढ़ लो, मैं पढ़ा भी नहीं रहा हूँ। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, क्यों लिखी वो न्यूज़ इसलिए लिखी क्योंकि हमें AIIB को एक्सप्लेन करना है। अभी तक हम लोग NDB को एक्सप्लेन कर चुके हैं जब आया था न्यूज़ में, ADB जब न्यूज़ में आया था उसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, अब AIIB, इसके बाद IMF और वर्ल्ड बैंक, इसके बाद हमारे मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो जाएंगे, इसके बाद जो पांचों हैं इनको लेके कंबाइंड लेक्चर 2020 में ऐड कर दिया जाए। तो AIIB क्या है, एक MDB है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, जिसका एम है इंफ्रा बिल्डिंग इंडो पैसिफिक रीजन में, भारतीय प्रशांत महासागरीय दोनों में, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर दोनों क्षेत्रों में करना है। बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। AIIB आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट 2015 में आए थे, दिसंबर 2015 में, तो इस्टेब्लिश किया गया, अगले महीने 2016 में इसको ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। अब ये फैक्ट UPSC के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, PCS वगैरह पूछ लेते हैं।
देन इसकी जो मेंबरशिप है, नाम भले इसका एशियन AIIB है बट इसमें पूरी कंट्रीज से, पूरे वर्ल्ड से कंट्रीज आ सकती हैं। मेंबरशिप ओपन है उन सब देशों के लिए जो या तो वर्ल्ड बैंक के मेंबर हैं या फिर ADB के मेंबर हैं। और आप जानते हो ADB में भी USA जैसे वन ऑफ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं, तो इसमें भी ऐसे बहुत सारे मेंबर हैं। इनफैक्ट G20 के 14 कंट्रीज़ AIIB के मेंबर है, उसमें UK, फ्रांस और जर्मनी भी शामिल हैं। तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा इसमें सिर्फ एशिया के मेंबर्स हैं तो आंसर इज़ नो। देन वोटिंग राइट्स, जब भी हम बैंक्स पढ़ते हैं तो हमें वोटिंग राइट और शेयर होल्डिंग ये पढ़नी चाहिए। यहाँ वोटिंग राइट प्रोपोर्शनल टू शेयर होल्डर, इक्वल नहीं है जैसे उसमें थे NDB में और ADB में, आई थिंक दोनों में सेम है। चाइना लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, अराउंड 27% वोटिंग शेयर्स हैं। ये बिल्कुल 0.61 में मत रखना, यू शुड रिमेंबर इट लाइक दिस, अराउंड 27। इंडिया का अराउंड 7.5% है, रशिया फिर जर्मनी है, तो चार लार्जेस्ट शेयर होल्डर याद कर लेना। प्लस ये याद रखना कि इक्वल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। NDB जो ब्रिक्स बैंक है उसमें 20% है, क्योंकि पाँच लोग हैं, पाँच कंट्री, सबका इक्वल है। ज़्यादातर AIIB का ऑपरेशन साउथ एशिया में है, इंडिया सबसे ज़्यादा लोन लेने वाली कंट्रीज़ में से एक है और बहुत जल्दी फर्स्ट लार्जेस्ट भी बन जाएगी। हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग इसको मिली हुई है 3 बिगेस्ट रेटिंग एजेंसीज से वर्ल्ड वाइड, और इसको देखा जाता है वर्ल्ड बैंक और IMF के पोटेंशियल राइवल, प्रतिद्वंदी के रूप में भी देखा जाता है। देन विक्ट्री डे रशिया मनाता है इसको हर साल COVID-19 की वजह से, इस साल उन्होंने मनाना नहीं प्रेफर किया। ये एक हॉलीडे है जिसे डिक्लेयर किया गया था 1945 में, नाजी जर्मनी ने सरेंडर किया था रशिया के सामने, तो मेनली रशिया में मनाया जाता है। कुछ जर्मन स्टेट्स इसको मनाते हैं कि हमको नेशनल सोशलिज्म, मतलब नाजी जर्मनी से आज़ादी मिल गई थी और साथ में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी ख़त्म हो गया, तो इसलिए जर्मन स्टेट्स भी मनाते हैं रशिया। वर्ल्ड वाइड बहुत सारी कंट्रीज़ मनाते हैं, रशिया में मेनली पॉपुलर है, परेड वगैरह होती है, इस साल नहीं हुई। यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, नाम से लगता है कि यूरोप का कोर्ट है, तो कोई ऐसे मेजर चीज़ तो नहीं है ये। EU लॉज के लिए EU का सुप्रीम कोर्ट है, ये याद रखना है आपको। पेरिस ट्रीटी, उसके बाद ये 1952 में हुआ, लग्जमबर्ग में इसका हेडक्वार्टर है, या ये खुद ही है हेडक्वार्टर क्या ही। और हायरार्की अगर देखी जाए स्पेशली EU के लॉज के मामले में, तो सारे नेशनल कोर्ट्स ECJ के नीचे हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है साल फॉरेस्ट टॉर्टोइस, तो ये देखने में बहुत ही सही लगता है। यू कैन सी दिस वन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, IUCN 3.1, मतलब इंडेंजर्ड में 1, 2, 3, ये 3 में थ्रेटन्ड आते हैं, तो 3.1 इसका IUCN स्टेटस है। इलॉन्गेटेड टॉर्टोइज भी कहते हैं, या एशियन फॉरेस्ट टॉर्टोइज भी कहते हैं, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है ईस्टर्न, नॉर्दर्न और साउथ ईस्ट एशिया में है, इनमें है। लेकिन इसने क्या किया कि जो इसके प्रोटेक्टेड एरिया है उसके बियॉन्ड भी रहना शुरू कर दिया है। अब जब करेंगे तो फिर क्या करेंगे, लोग खा जाएंगे मार के, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। लोगों ने क्या किया, इसको मार मार के खा लिया, इसके मास्क बना लिए और फिर इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड भी कर लिया, तो अच्छा है चुपचाप से वहीं चले जाओ ना, क्यों फालतू में मरने आ रहे हो। देन PM की एक बहुत तगड़ी स्कीम है, रिसर्च फेलो स्कीम, मतलब रिसर्च कराने के लिए PMRF स्कीम है। क्या करेगी, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को रिसर्च में इंडिया में लेके आएगी। क्या ये ट्रू है, इंडिया में कोई भी मेरिटोरियस स्टूडेंट रिसर्च या PhD करता है क्या? आंसर आई डोंट थिंक, कि आंसर इज यस, एक दो हो सकते हैं, अदरवाइज नो। डायरेक्ट एडमिशन मिलता है अगर आपने ये रिसर्च फेलो स्कीम के अंडर एडमिशन लिया है। PhD में सीधे IIT, IISER और ISC में सीधे प्रवेश मिलेगा। और यहाँ क्या है, अब ये PhD के लोग कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, मतलब अब यही लोग, यही काम बचा है कि PhD के लोग इस पर काम करेंगे। तो एनीवेज इंडिया के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे तो होता नहीं है, ये क्या करेंगे। DRDO इज़ मेकिंग PPE, तो PhD के लोग फिलहाल कटिंग एज साइंस एंड टेक के काम सारे PhD के लोग करेंगे, और नेशनल प्रायोरिटी होगा। चेंज अभी इस स्कीम में क्या किए गए हैं PMRF में, कोई भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट अब जा सकते हो, मतलब अभी तक तो यहीं रिसर्च कर रहे थे, अब इतनी ज़्यादा रिसर्च होने लगी कि मतलब इनसे संभल नहीं रही, तो अब कहीं भी जाओ। गेट स्कोर अभी तक तो 750 मांगते थे, अब कहा कि आप कम स्कोर पर भी आ जाओ, हमें ज़्यादा कटिंग एज रिसर्च करानी है। देन अभी डायरेक्ट एंट्री ही हो रही थी, अब लिटरल एंट्री भी होने लगी है। सो अब स्कीम जो अच्छी खासी थी उसका होने वाला है कबाड़ा। लेटरल इंट्री ऑफ ब्यूरोक्रेट्स लास्ट ईयर न्यूज़ में था, तो अब इस साल तो न्यूज़ में नहीं है, बट यू शुड नो कि क्या होता है, क्यों होता है। वैशाख, हिंदी में वैशाख बोलते हैं, बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध डे, फुल मून डे मई में आता है, और बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड 3 डेज को एक साथ मनाता है, बर्थ,
इनलाइटनमेंट जब उनको ज्ञान मिला था और परिनिर्वाण जब उनकी डेथ हुई थी। तो ये माना जाता है कि तीनों ही बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुई थी। फिर अब ये बहुत ही स्पेशल चीज़ जो आपको यूपीएससी में क्वालिफाई या रिजेक्ट करा सकता है, सिंगल अगर आप इनको आइडेंटिफाई करना सीख गए देन यू आर इन, नहीं सीख पाए तो आप कुछ भी कर लो, यू आर आउट। स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स क्या है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दिया है, ये बताता है कि पैंडेमिक के लिए किसने कितने स्ट्रिक्ट मेजर और कब लागू किया, इंडिया ने किया, तो इसका क्या करें, फालतू इंडेक्स है, जो भी इंस्टीट्यूट इसको रटाएं तो जैसे आपको उनकी सेवा करनी हो करो। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, इन्वायरमेंट के नाम पे जो कचरा रटाया जाता है उस कचरे का एपिटोम है, इस डेट को हुआ था टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस कॉमा फलाना कॉमा डिमका, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। कौन कौन इसको आयोजित करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इन्वायरमेंट में ना, आप ऐसे बनाने बैठो तो ऐसे, व्हेन आई वाज इन 2018 अटेम्प्ट तो आई थॉट कि मैं इससे सारे इंस्टीट्यूट सारी चीज़ें रटूंगा, तो तीन चार टेस्ट सीरीज से ऐसे अराउंड 12-13 पेजेस बनाए नोट्स, एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले गैस जलाई और उनको स्वाहा कर दिया कि ये तो मेरे से नहीं रटे जाएंगे। अल्टीमेटली एग्जाम में आया वो क्वेश्चन लेकिन उन 11 पेज के नोट से नहीं आया, तो वो वैसे भी नहीं होना था, ऐसे भी नहीं होना है, तो कुछ कर नहीं सकते। तो बेटर है कि 100 क्वेश्चन मत टारगेट करो, 98 या 99 क्वेश्चन टारगेट करो। इसके बाद महाकवच ऐप, मतलब क्यों लोग रट रहे हैं इसको, महाराष्ट्र की ऐप है, मतलब किसी बंदे ने बना दी है इसे, क्या कर लोगे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए, तो ये क्यों रट रहे हो, प्री के लिए कोई फैक्ट थोड़ी है यार, ठीक है। देन मेंस इन 300 टॉपिक्स, ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट, ग्रीन कॉरिडोर वाला, केमिकल डिजास्टर, इसको एक्सपेंड करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री में ट्रीटी ऑफ लिस्बन, देन पर्ल हार्बर अटैक अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, तो इसको भी वर्ल्ड हिस्ट्री के जब भी हम लोग इस न्यूज़पेपर वाली सीरीज़ में इंक्लूड करेंगे तो दैट इज़ फाइन। अगले कुछ दिन तक न्यूज़पेपर ऐसे थोड़ा ग्रुप में आएगा, तीन चार दिन, क्योंकि वी हैव टू कम्प्लीट PT 360 डिग्री लेक्चर, सारे PT 365 की जो भी चीज़ें हैं वी हैव टू कंप्लीट। देन IQ, ये नॉट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, इसके लिए मत रटने बैठ जाना, कंटार एक वर्ल्ड की डेटा कंपनी है, इसने किया है, नो। इसके कुछ फैक्ट्स हैं जो मुझे अच्छे लगे, तो आप मेंस आंसर आइटम में ऐसे में लिख सकते हो सीधे, दैट्स वाई आई हैव नोटेड डाउन सारे। ये टोटली सब्जेक्टिव है, आपको अच्छा लग सकता है नहीं लग सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इंडिया, इन्होंने कहा कि जितने भी एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं उनके पास चाहे कुछ और हो चाहे ना हो, एक मोबाइल फ़ोन जरूर होता है। इंडिया का डिजिटल रिवॉल्यूशन दैट इज़ प्रोपेल्ड बाय रूरल मासेज, देन इन्होंने कहा कि रूरल इंडिया अराउंड 45% ग्रोथ एक साल में ही इन्होंने दर्ज किए लास्ट ईयर। देन सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, इन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव बैंक्स भी सरफाइसी एक्ट के अंडर हैं। सरफाइसी एक्ट होता है वसूली भाई को वसूली की पावर देने के लिए, रिकवरी ऑफ लोन के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, क्योंकि ये बैंकिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, इसीलिए इनको हम बैंकिंग कंपनी कहेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि पार्लियामेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है रिकवरी ऑफ लोन्स के लिए पावर देने में, और ये मैटर अभी फाइनली 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तक रेफ़र करना पड़ा। क्यों? क्योंकि कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने अलग अलग दिए थे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस 4 डेज, 17-18 मिनट में 4 दिन का करंट अफेयर्स खत्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, घर में रहो, सुरक्षित रहो।